उज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, वी डॉट मार्केटिंग एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट में काम करता है जिसपे ज़मीनें मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह एमकेबी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ मिलकर अभी हम एक सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं, हरियाणा ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी, जो कराची में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जामा फारूकिया फेज टू के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हम इनके क्वालिटी काम को देखकर हम इस काम दिलचस्पी ले रहे हैं कि इनके साथ काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी काम किए हैं कराची में, बिल्डर्स के बड़े काम किए, इन्होंने काफ़ी बिल्डिंगें बनाई और काफ़ी अब काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार इन लोग लॉन्चिंग पे आए हैं, डेवलपमेंट के लिए आए हुए हैं, एक सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं हरियाणा ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी, जो कराची में मौजूद है। ये मंजिब खान साहब हैं, इनसे मैं बात करता हूँ कि भाई आप ये आपकी क्या दिलचस्पी है सोसाइटी में, आप क्या लुक लाना चाह रहे हैं जिला केवाड़ी के अंदर, एक नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके काम के हवाले से आपने सबसे पहले हमने देखा कि आप स्टेडियम ला रहे हैं, क्योंकि कराची केवाड़ी जिला केवाड़ी के अंदर बल्कि पूरे कराची के अंदर बहुत कम ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर एक स्टेडियम मुनफरद स्टेडियम बनने को जा रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि मंजिब खान साहब आप क्या सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ मुनफरद लाएंगे इस सोसाइटी के अंदर? अस्सलामुअलैकुम जी। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो अमूमन जो सोसाइटियों में होता है छोटे रोड और बिल्डर जो कोशिश करता है कि ज़्यादा जगह हमारे, तो हम लोगों ने इसमें जैसे आम बिल्डर अगर एकड़ में 24-25 प्लाट निकालते तो हमने उस हिसाब से एकड़ में कोई 20 प्लाट भी नहीं निकाला। उसकी मेन वजह यह है कि 60 फुट का मेन रोड है, 40 फुट के भी रोड हैं, एक रोड 100 फुट का भी है। हमारे यहाँ मेन रोड है शायद ये भी 100 फुट का ना हो, लेकिन हमने सोसाइटी को 100 फुट का रोड दिया हुआ है। 30 फुट से छोटी कोई गली नहीं है, और स्टेडियम है कोई, हमने काफ़ी बड़ी जगह हमने स्टेडियम में दी हुई है। तो ये एक प्रॉपर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट या हुआ करेंगे, वहाँ हम उसको रजिस्टर्ड कराएंगे, DCA में रजिस्टर्ड कराएंगे। दूसरा यहाँ फार्म हाउसेज हैं, मस्जिद होगी, एक अलसर फाउंडेशन है, तो हम उनका एक फलाही इदारा ही बनाएंगे कि जो वो इन सोसाइटी और इन सोसाइटी के अतराफ में जो गरीब लोग हैं जिनके मतलब एजुकेशन के मसले मसाइल हैं, यहाँ तक कि वो उनको हुनर सिखाना, तो वो फाउंडेशन को भी हमने यहाँ पे हेडक्वार्टर दे दिया है। तो वो फाउंडेशन इस इलाके पूरे इलाके में काम करेगी, रेवीस बोर्ड के इलाके में, अपचुई के इलाके में। तो एक वो है, दूसरा हमने 2-3 स्कूलों से हमारी बात चल रही है, एक उसमें स्मार्ट सिटी स्कूल है, एक अलाइट है, एक फैल्कन है, और एक जो है वो एजुकेटर है। तो इन 3-4 से हमारी बात चल रही है, इसमें से जो हमें बेहतर ऑफर देगा, जो हमें बेहतर लगेगा, जो हमें लगेगा बेहतर सोसाइटी के लिए, हम उसे ले आएंगे। दूसरा हमने एक यहाँ पे एक चीज़ कमी ये महसूस की है कि इस इलाके में यहाँ पे औरतें जाती हैं मदरसे में इलाज करवाना, मदरसे में एक छोटा सा क्लिनिक सामने बना हुआ है, तो में हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे बहुत सी औरतें उतरती हैं मदरसे जाती हैं, तो हम यहाँ पे औरतों के लिए एक मेडिकल सेंटर मुतारिफ कर रहे हैं। बहुत अच्छी, तो वो बहुत ही ऐसा होगा कि उसमें जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होगा सिर्फ उनके अखराजात निकलेंगे, उसकी कमाई नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कमाई हम लोग सोसाइटी से कमा लेंगे, उससे नहीं कमाना। तो वो होगा, फिर इसमें मदरसा होगा, मदरसे के सामने है, यहीं के लोगों के मतलब मदद से हम यहाँ पे मदरसा और मस्जिद इंशाल्लाह उसकी गुज़िश्ता इंशाल्लाह 10 दिनों में हम उसके जो है ना मामला पे लगे हुए थे, अगले 10 दिनों में उसके काम शुरू हो जाएगा। तो नक्शे वगैरह तकरीबन मस्जिद वगैरह के तैयार हो गए, स्टेडियम पे आपने देखा हुआ काम शुरू है। जी जी, हम देख कर आए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, और एक बिल्डिंग पे भी काम शुरू है, और इंशाल्लाह अगले 15 से 20 दिन में 8 से 10 घरों पे काम शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते हमारे इंशाल्लाह सेवरेज पे काम शुरू हो जाएगा, वो फिर आप आएंगे, जाहिर है अपनी आप देखेंगे और आप वीडियो भी हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे। तो हम अपनी कोशिश में है कि ये और बाकी ये कोई गुंजान इलाका नहीं है, आबाद इलाका है, इर्द गिर्द सारी सोसाइटियाँ आबाद हैं। यहाँ पर मेरे तकरीबन कोई 10 से 12 लाख लोग रहते हैं इस इलाके में। तो और हमने जो अपनी जो हम कीमत मुतारफ करा रहे हैं वो बहुत ही मतलब जो आबाद सोसाइटियाँ हैं उनमें ये कम्युनिटीज ये फैसिलिटीज नहीं होंगी, उसके मुकाबले में हमारी कीमत में 8-8-10-10 लाख का फर्क है। वो भी आपकी मशावरत से हम लोगों ने वो मामला तय किया। तो इंशाल्लाह जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसा हमारा भी रिस्पॉन्स होगा। हम जो अगर लोग हमारा साथ देंगे हम लोगों का साथ इंशाल्लाह। दूसरा ये कि हमारी सोसाइटी यहाँ पे कोई ये गोल्ड नहीं है, कोई स्टाम्प पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, ये जइयत
फार्म टू पे ज़मीन है और हम यहाँ पे हर तरह का कारोबारी और रिहायशी काम कर सकते हैं, एम्यूनिटी काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंशाल्लाह मेयर ऑफ कराची मुर्तजा वहाब से स्टेडियम इफ्तिताह करवाएंगे इंशाल्लाह, और हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं वसीम मदानी से हम इसका इफ्तिताह कराएंगे। यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं और यहाँ पे अगला हमारा ये है कि एक तो हर तरह की एनओसी हर तरह के मामला से क्लियर है, दूसरा ये हमारा दूसरा जो फेज हम मुतारिफ कराएंगे वो स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए होगा और वो एक सरप्राइज है। वो हम अभी जो है वो इसमें तो जब सब कुछ है वो तो होगा ही होगा, वो फिर एक सरप्राइज होगा। तो इंशाल्लाह उसमें हमने और भी जो है ना वो अपने और चीज पाकिस्तानी भाई है, हमने नाम भी ऐसा रखा है कि क्योंकि हमारे जो मेन जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज हैं और उन वो लोग बड़े मतलब उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी लें रखें जो उनके काम है, उनके बच्चों के काम है, कल को अगर वो रिटायर होकर आते हैं तो उनकी कोई रहने की जगह हो, उनकी कोई सरमायाकारी यहाँ पर बाकी हो, तो हर तरह से चार दीवारी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आवाज़ों के लिहाज से सिक्योरिटी है। तो नाज़रीन जिस तरह से आपने देखा मानसेब खान साहब पे MKB बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अलहमदिल्ला इन्होंने काफ़ी काम भी किए हैं और इनके बड़े माशाल्लाह इनके जज्बे को देखकर इनके उम्मीद को देखकर हिम्मत को देखकर अलहमदिल्ला मैंने सोसाइटी में हाथ डाला है और इसकी मार्केटिंग टोटल हम कर रहे हैं। तो उसमें आपसे गुजारिश है कि अलहमदिल्ला एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप दो साल के टाइम पीरियड पर आपको प्लाट दे रहे हैं, आपको अगर जो हमसे जल्दी प्लाट लेना चाहता है उसको हम चार छः महीने अपनी पेमेंट शेड्यूल दे दें और हम उनको इंशाल्लाह प्लाट भी दे देंगे, वो अपना घर बना सकें। और हमारी कोशिश ये है कि सारी एनओसियाँ अलहमदिल्ला इनके पास मौजूद हैं, मैंने सारी एनओसियाँ चेक की हैं, इनके साथ सारी चीज़ें मौजूद हैं, बाकी LDA SPCA भी इंशाल्लाह अप्रूफ की सिस्टम में प्रोसेस में चला गया। और आपको पता है कि प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगता है लेकिन अलहमदिल्ला ये इनके अंदर जज्बा है काम करने का और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह एक बेहतरीन सोसाइटी होगी ज़िला केमाड़ी के अंदर, अलहमदिल्ला बाउंड्री वाल सोसाइटी। इनके काम को इस वक्त में देख के आया हूँ, अंदर से सारे काम को मैंने देखा है और अलहमदिल्ला 6-7 महीने का काम अब कर चुके हैं कि अब ये मार्केटिंग करवा रहे हैं। तो अलहमदिल्ला काम करने वाले लोग हैं, डेवलपर लोग हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप लोग से गुजारिश है कि इसमें प्लॉट्स बुक कराएं। अलहमदिल्ला 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान है और हमें स्पेशल एक अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने, अपने रेट से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। तो जो B.Dot मार्केटिंग के मद्देनज़र काम को देखते हुए इन्होंने अच्छे इंस्टॉलमेंट का हमें वो चीज़ शेड्यूल दिया है। अलहमदिल्ला हमारे ऑफिस आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे शेड्यूल्स भी बताएंगे और इंशाल्लाह काम का जो जज्बा है इनके अंदर उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे करवाएंगे, इनकी ताकत नहीं है, अल्लाह ही कराने वाले हैं और अल्लाह ही इनसे काम कराएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि अपने प्लॉट बुक कराएं। अब कुछ चंद प्लाट ऐसे हैं जिसको हम तारूफ़ी कीमत में बेचें, रेट्स तो हमारे ज़्यादा हैं लेकिन अब तारूफ़ी कीमत में देख रहे हैं 24 लाख रुपये से बुकिंग करें उसमें भी आपको हम मज़ीद बुकिंग देंगे तो उसमें भी अच्छा डिस्काउंट देंगे चंद प्लाट। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि हमसे रब्ता करें और अलहमदिल्ला अगर हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि अच्छा प्रोजेक्ट हम आपको देने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।